please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. पंजाब के जलालाबाद शहर में न्यूज 18 की टीम पर जानलेवा हमला हुआ। न्यूज 18 की टीम पर अवैध खनन के कारोबार से जुड़े लोगों ने हमला किया है। इस हमले में न्यूज 18 के रिपोर्टर नीरज बाली और कैमरामैन संदीप और प्रीत घायल हो गए, लेकिन अभी तक किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इस बीच न्यूज 18 की टीम से उनके कैमरे और दूसरे उपकरण भी छीन लिए गए। पुलिस ने न्यूज 18 की टीम की कोई मदद नहीं की। डीसीपी से टीम ने शिकायत की थी, लेकिन उनकी ओर से भी कोई जवाब नहीं आया। इसके अलावा जलालाबाद के सिविल अस्पताल में भी प्राथमिक सेवाएं नहीं दी गई। हमले के करीब 5 घंटे बाद 4 लोगों पर FIR दर्ज की गई और CM अमरिंदर सिंह ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। मशीनों माइनिंग जी इतने की जा रही है वो कितने ना कितने इस चीज़ न ही दर्शा रही थी कि यह इलीगल माइनिंग कर रहे हैं। सब तो वही गल जिसने असी स्टिंग ऑपरेशन इतने जारी किया है और उस तो बाद ही किस तरह के नाल हूँ रेत माफिया जोड़ा है अपन ट्रालिया और टिप्पर और JCB लैके इतों भजता पे है। सीधे तौर पर यह कितने ना कितने कानून की उलंघना कर रहे थे जिसकी वजह के नाल इतों भजे ने इतों गड्डिया छड़ के और गड्डिया लैके क्यों भजे ने इन्हों के सारे जोड़े मुलाजम ने जोड़े मजदूर ने सारे इतों भज चुके हैं। साढ़े नाल कुटमार करन तो बाद सानू गंभीर जख्म देने तो बाद इतों अपनी ट्रालिया और टिप्पर लैके भजन की तैयारी ने उस सीधे तौर पर पत्रकार साढ़े तक किसी भी तरह के नाल कोई इल्जाम नहीं ला सकते क्योंकि ये खुद एक तरह के नाल इन्होंने गाड़ी के चिंता है। वहाँ पे हमने देखा चल रही थी इलीगल माइनिंग, अंदर जाके हम जैसे ही हम उसको शूट करने लगे तो वहाँ पे काफ़ी लेबर लगी हुई थी, वो आ गई वहाँ पे एकदम से, उसने अटैक किया हम पे और मेरे सिर पे मारा उन्होंने पीछे कुछ गन मारी या क्या मारा मुझे नहीं पता, और मेरे नीचे भी लगी हुई है चोट, काफ़ी बख्यों में लगी हुई है चोट और मैं वहाँ पे बेहोश हो गया था। वो बोल रहे थे मार देंगे गाड़ देंगे तुम्हें, या तो भाग जाओ यहाँ से चले जाओ यहाँ से, मेरा कैमरा भी तोड़ दिया उन्होंने, माइक भी तोड़ दिया मेरा, मैं वहीं पर फिर बेहोश हो गया था। 1.5 घंटे से ऊपर समय हो चुका है हमारे जो पत्रकारों और कैमरामैनों के ऊपर हमला हुए, मगर यहाँ जलालाबाद की जो हालात है वो बद से बदतर है। यहाँ कोई भी अभी तक डॉक्टर जो मौजूद नहीं है, हमारे मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा दिखाएंगे हमारे जो कैमरामैन हैं वो दर्द से और बुरी तरह से उनका जो बुरा हाल हो रहा है, मगर यहाँ अभी तक कोई डॉक्टर की टीम नहीं पहुँची है। फिलहाल यहाँ पुलिस जो पहुंची है और वो कार्रवाई कर रही है, मगर डॉक्टरों की टीम ना होने के कारण जो कैमरामैन की हालात हैं वो बद से बदतर हो रहे हैं। मलम पट्टी की गई है, जो गंभीर सीगा एक अपना पत्रकार उन्होंने फाजिलका जरिया रैफर किया गया, उतों के हालात वेख के सारा इलाज वेख के उन्हों का, उस तो बाद मैं इतने मौके पर आया। SHO पहले ही मौके पर भेजता से, SHO वीर खास इकबाल खान मौका पर भेजता से, पर उन्होंने आने तो पहले ही इतों दौड़ चुले चुके थे। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट में लिखा कि न्यूज 18 के पत्रकारों पर हमला निंदनीय है। मैंने पंजाब पुलिस के DGP को आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। मुझे बताया गया है कि पंजाब पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। मैं त्वरित कार्रवाई और जाँच का आश्वासन देता हूँ, प्रेस की आज़ादी के लिए प्रतिबद्ध हूँ। आपको पता होगा कि वहाँ पर जो अनिल चौहान के नाम पर ये जो FIR लॉन्च हुई है ये वहाँ का ठेकेदार है और इसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है मुझे लगता है कि आप लोगों के पास वो होगी। तो क्या वो दिल्ली के लिए कोई टीमें रवाना हुई है? वो जो नंबर मैंने SSP साहब को दिया था उस ठेकेदार का, क्या उसको ट्रेस करने की कोशिश की है, की गई है? अग्रवाल कॉलोनी में वो रहता है, अग्रवाल कॉलोनी की कोठी में रेड किया गया, जलालाबाद में कोठी बंद थी जी। तो क्या उम्मीद करें आपसे कि कब तक इनकी गिरफ्तारियां जो है वो हो पाएगी, क्योंकि वहां पर उन लोगों के पास पिस्टल भी थी, दो लोगों के पास। एक करके जी 25 रजा ना आर्मचेट भी लाल लगाया, 382 IT भी लाल लगाई गई, वो सेक्शन लगाए गए, आर्मच वाले भी सेक्शन लगाए गए। DSP साहब क्या उम्मीद करें आपसे कि कब तक पंजाब पुलिस जो है वो उनको गिरफ्तार कर लेगी? बहुत जल्दी कर लेंगे जी, बहुत जल्दी कर लेंगे। उन्होंने हमारा जो माइक था वो पहले मुझसे छीन लिया, फिर उसके बाद उन्होंने जो अपने साथ उनके जो दो बाउंसर टाइप के जो लड़के थे उनको बोला कि क्योंकि उनके पास तो दोनों के पास एक पिस्टल थी, एक ने डब में पिस्टल डाली हुई थी, एक ने हाथ में पिस्टल लगाई हुई थी, तो उसने उन्होंने बोला कि इनको गाली निकाल कर कहा कि इनको गोली मार दो और यही मिट्टी में इनको दबा दो। और उसके बाद फिर जिस तरह से उन्होंने हमारे साथ हाथापाई की और मेरी बाजू को मरोड़ा, हमें मुझे मिट्टी में गिरा दिया और उसके बाद फिर मारना पीटना शुरू कर दिया,
और पीछे से फिर किसी ने हमला किया और सर पर यहाँ पर मेरे गंभीर जो चोट आई है। सवाल यह है कि अभी तक आरोपी खनन माफिया की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी होगी, लेकिन अभी तक नहीं हुई है। तो यहाँ पर न्यूज 18 की टीम पर जानलेवा हमला हुआ है। 5 घंटे बाद FIR दर्ज होती है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। 4 लोगों के नाम FIR में शामिल है। पुलिस का कहना है कि जल्द गिरफ्तारी होगी, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। कई सारे सवाल हैं जो खड़े होते हैं। दरअसल पंजाब में खनन माफिया पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? किसकी शह पर न्यूज 18 की टीम पर हमला हुआ? हमले के आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? पुलिस ने मदद में देरी क्यों दिखाई? सवाल ये भी खड़ा होता है कि शिकायत को पुलिस ने गंभीरता से क्यों नहीं लिया? ये तमाम सवाल खड़े होते हैं इस हमले के बाद। और पुलिस ने हमारी टीम की कोई मदद नहीं की, बल्कि 2.5 घंटे की देरी से पुलिस वहां पर पहुंचती है। उसके बाद बुरा हाल अस्पताल का भी है, स्वास्थ्य सेवाओं का है, जहां पर उपचार नहीं मिल पाता है। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं बीजेपी नेता विनीत जोशी। विनीत जी, जो न्यूज 18 की टीम पर हमला हुआ है, आप इस हमले को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये बहुत ही एक निंदनीय कार्य है और पंजाब के अंदर कानून नाम की, गवर्नेंस नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। वैसे इस रेत माफिया के साथ सरकार खड़ी है, ये बात किसी छुपी नहीं है। अगर रेत माफिया के साथ सरकार खड़ी ना होती तो राणा गुरजीत पर इल्जाम क्यों लगते है? और बाद में राणा गुरजीत की इस्तीफा क्यों होता? राणा गुरजीत का इस्तीफा का मतलब है कि सरकार ने मान लिया कि हमारे सरकार के MLA मंत्री जो है रेत माफिया के साथ कहीं ना कहीं मिले हुए हैं। अब हम न्यूज 18 पंजाब पे आ जाए। न्यूज 18 पंजाब लगभग पिछले 1.5-2 महीने से लगातार, चाहे वो सट्टे का सिंह हो, चाहे वो रेत माफिया का राजपुरा में सिंह हो, और चाहे वो ड्रग्स का एक्सपोज हो, लगातार सरकार का जो गवर्नेंस का फेलियर उसको एक्सपोज कर रहा है। और जिस तरीके कल ये लोग मौके पे गए, मौके पे इन्होंने सिंह किया, बातचीत करनी चाहिए, इनकी पिटाई ही, और पिटाई के बाद जो शुरू हुआ वहां से गवर्नेंस का फेलियर दिखता है। बिल्कुल विनीत जी, जो ये सब आप बता रहे हैं हमने देखा है, गवर्नेंस का फेलियर है। जी जी, मैं बात खत्म कर दीजिए, एक सेकंड दीजिए। अब जब ये लोग SSP को फोन करते हैं, SSP फोन नहीं पिक करता है, DSP के ऑफिस में बैठे अटेंड नहीं होते, DSP के घर जाकर बाहर खड़े होते हैं, DSP अंदर होता है बाहर आके वो सुनता नहीं है, हॉस्पिटल में जाते हैं वहां एक चौकीदार इनको अटेंड करने की कोशिश करता है। अगर ये न्यूज 18 चैनल, ये जर्नलिस्ट पत्रकारों को ये हाल है तो आम जनता क्या हाल होता है, सिर्फ साफ और स्पष्ट समझ जाता है। कैप्टन रविंदर साहब ने कहा कि मैंने DGP को सख्त कार्रवाई के लिए कहा है। कैप्टन साहब, ये तो बिल्कुल विनीत जी जो आप बता रहे हैं, इसी से जुड़ा हुआ सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि बीजेपी अब आगे क्या करने वाली है। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। मोहित मल्होत्रा और सूरज भान मौजूद हैं। सबसे पहले हम मोहित मल्होत्रा के पास चलते हैं। मोहित, यहाँ पर गवर्नेंस का फेलियर है, तमाम सवाल खड़े होते हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि क्या अभी तक किसी की गिरफ्तारी हो पाई है? देखिए, अभी तक इस मामले में पूरी FIR एक दर्ज की गई है, जिसको भी हम कहेंगे कि 5 घंटे बाद, इंसिडेंट के 5 घंटे बाद एक खानापूर्ति की गई वहाँ की लोकल पुलिस की तरफ से कि अब हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि जो जर्नलिस्ट है न्यूज़ 18 की, जो पूरी टीम थी, वीडियो जर्नलिस्ट है, वो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हुए थे। मेरे साथ इस वक्त रितेश लक्की हैं, सीनियर एडिटर न्यूज़ 18 पंजाब। रितेश जी, ये किस तरह का एक्सपोज था? क्योंकि आप बता रहे हैं कि लीगल माइनिंग के नाम पे कैसे लीगल माइनिंग हो रही है, ये बड़ा एक्सपोज करने के लिए आपकी टीम गई थी और वहाँ पर इस तरह से ये पूरी घटना हुई। अब FIR एक करके आपको लगता है खाना पूर्ति कर दी गई? तो जी बिल्कुल, FIR करना तो ज़रूरी था क्योंकि एक असॉल्ट था, इसलिए पुलिस ने अपना काम किया। लेकिन बड़ा मुद्दा ये है कि माइनिंग जो धड़ल्ले से चल रही है, और खास करके जो लीगल माइंस हैं, लीगल खड्ड हैं, उनमें भी जो इलीगल माइनिंग का जो कारोबार चल रहा है वो धड़ल्ले से चल रहा है। और पिछले लगभग एक महीने में हम ऐसे 3 ऑपरेशन, हमारा तीसरा ऑपरेशन था, इससे पहले राजपुरा में एक जगह हमने ऑपरेशन अंजाम, और यही पत्रकार थे, यही टीम थी, नीरज बाली और संदीप कुमार कैमरा पर्सन थे। उस वक्त वो जो माइनिंग माफिया के लोग थे वो भाग खड़े हुए थे, और वो तस्वीरों में CNN और IBN नेटवर्क पर भी वो पूरी रिपोर्ट प्रसारित हुई थी। बिल्कुल, बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि FIR में खानापूर्ति की कोशिश की गई है। प्रकाश सिंह बाजवा, कांग्रेस नेता, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। बाजवा जी, जो ये घटना हुई है ये निंदनीय है, जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा है, लेकिन FIR दर्ज हो गई है, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। देखो, ये बात मेरे नोटिस में कल रात ही आई है, मैंने भी ट्वीट के जरिए जो आपकी चैनल का ट्वीट था वो पढ़ा है, और आज ही 10-15 मिनट में मेरा ट्वीट भी आ रहा है, जिसमें मैंने अपील जो है CM पंजाब को की है कि ऐसी किस्म की गुंडागर्दी जो है वो हमें रोकनी पड़ेगी।
नहीं कैसे रोकेंगे प्रताप, प्रताप जी सरकार आपकी है, मुख्यमंत्री आपके हैं, कैसे रोकेंगे? ये तो हर तरह का फेलियर है ना। आप देखिए, एक तो अवैध खनन वहां पर कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। मेरी एक बार मेरी बात सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिए। एक तो पुलिस को वहां पर फोन किया जाता है, पुलिस 2.5 घंटे की देरी से पहुंचती है। उसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है, डॉक्टर नहीं है। देखिए मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, ये 100% पुलिस फेलियर है। और इसमें जो मैं समझता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट है, जो फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का, जो प्रेस है। और प्रेस का काम आपने अच्छा किया कि जहाँ भी इलीगल माइनिंग या कोई भी इलीगल एक्टिविटी हो रही है, अगर प्रेस जाती है तो उसकी नहीं, काम तो अच्छा किया प्रताप जी। मुझे ये बताइए कि किसके शह पर ये सब हो रहा है? खनन माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि जब सच उजागर करने की कोशिश होती है, सच दिखाने के लिए हमारी टीम वहां पर पहुंचती है, तो हमारी टीम पर ही हमला हो जाता है और वो भागने में कामयाब भी हो जाते हैं। इसको कड़े शब्दों में खत्म करता हूँ और मैं अपील करता हूँ सीएम पंजाब से, इमीडिएटली जिन लोगों ने ये प्रेस पर अटैक किया है उनको गिरफ्तार किया जाए। FIR लॉज हो गई, वो तो एक बात और है, FIR तो लॉज करनी ही पड़नी थी, मगर इमीडिएट एक्शन होना चाहिए और ये इलीगल माइनिंग जो है पंजाब में बंद होनी चाहिए। मैं इस जो आपकी चैनल का जो ये आप कर रहे हैं सारे पंजाब में आपने कोशिश की है जी, तो इसकी सराहना करता हूँ। जो भी आपका ये अटेम्प्ट है, चलिए उम्मीद करते हैं कि कार्यवाही जल्द होगी। बाजवा जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सहयोगी सूरज भान भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं। सूरज भान, जो ये टीम पर हमला हुआ, आप भी उस वक्त वहां पर पहुंचे थे, लेकिन यहां पर एक तरह से कहा जाए कि हर स्तर पर लापरवाही बढ़ती गई। मीडिया लोगों की आवाज दिखाती है, लेकिन जब हमारी टीम पर हमला हुआ उस वक्त मदद के लिए कोई नहीं आया। सूरज भान तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो अब FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। दरअसल पंजाब में 2005 के बाद रियल एस्टेट सेक्टर में आए उछाल से रेत की डिमांड में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में हर साल करीब 2 करोड़ टन रेत की डिमांड है और प्रदेश में हर साल करीब 3,000 करोड़ रुपए का खनन का कारोबार होता है। खनन के कारोबार से इस साल सरकार को भी करीब 500 से 600 करोड़ के राजस्व मिलने की उम्मीद है, जिसके लिए मौजूदा सरकार ने खनन की पिछली सरकार की नीतियों को बदलते हुए करीब 102 जगहों पर खनन के लिए नीलामी की थी। लेकिन बावजूद इसके प्रदेश में अवैध खनन माफिया लगातार सक्रिय हैं और बड़े पैमाने पर अवैध खनन का कारोबार चल रहा है। और इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हमारे सहयोगी सूरज भान, उनके पास चलते हैं। सूरज भान, जब टीम पर हमला हुआ उस वक्त आप भी मौजूद थे, तो यहाँ पर सरकार की नाकामी है क्योंकि अवैध खनन का कारोबार काफी समय से चल रहा है, लेकिन सरकार इसको रोकने में नाकाम साबित हो रही है। बिल्कुल, जाहिर तौर पे कोई दो राय नहीं है। सबसे पहले जब हमारी टीम इस पूरे एपिसोड को कवर कर रही थी, तो सबसे पहले हमने ये देखना था कि हम अपने आप सुरक्षित कैसे रह सके। उसके बाद हमने ये पूरा हंगामा हो गया, कैमरे तक तोड़ दिए गए, मोबाइल फोन तक छीन लिए गए और गुंडागर्दी का इतना नंगा नाच नचाया उन्होंने, उन गुंडों ने, उन बाउंसरों ने। काफ़ी बड़ी गिनती में काफ़ी लोग थे, बाउंसर थे, उनके पास वेपन्स थे, तेजधार हथियार थे और तमाम काफ़ी बड़ी गिनती में लोग थे जो गाड़ियों में भरकर भी आए थे और कुछ लोग पहले से वहां में मौजूद थे। सबसे ज़्यादा नीरज बाली को निशाना बनाया गया, सहयोगी कैमरामैन को निशाना बनाया गया और वेपन के ऊपर धमकियाँ दी गई कि अगर आप बाहर जाओगे यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे, ज़मीन में गाड़ दिए जाओगे। उसके बाद जब मैं जान बचाकर बाहर निकला, सबसे पहले प्योरिटी ये थी कि मैं पुलिस को इन्फॉर्म करूं। मैंने सबसे पहले 100 नंबर डायल किया, 100 नंबर के बाद फ़ोन उठाया, मैंने नाम बता दिया कि ऐसे ऐसे करके टीम के ऊपर हमला हुआ है, लेकिन उसके बाद फ़ोन मेरा डिस्कनेक्ट हो गया। उसके बाद किसी ने जहमत नहीं उठाई मेरा फ़ोन उठाने की, ना ही कंट्रोल रूम से और से मुझे कोई बैक कॉल आई। और उसके बाद SSP को कॉल किया गया, वहाँ के DSP को कॉल किया गया, किसी ने भी जहमत नहीं उठाई। सबसे पहले जब मौके पर हम थे, जब वो गुंडागर्दी का नंगा नाच रहे थे, हमारे पास मारपीट कर रहे थे, हमें बंधक बना कर रखा हुआ था हमारे साथियों को, तभी पुलिस के किसी भी ऑफिसर ने फोन नहीं उठाया। उसके बाद चंडीगढ़ में हमने ऑफिस में बात की, ऑफिस से बिल्कुल, तो हमारी टीम की मदद के लिए कोई नहीं आया। मोहित और सूरज भान, आप दोनों का तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।